केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका सीधा लाभ उन तक पहुंच रहा है। लेकिन मोदी सरकार का मुख्य फोकस देश के अन्नदाता यानी किसान पर है। यही वजह है कि सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम फसल बीमा योजना समेत कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना है। इस बीच सरकार ने किसानों के बेहतर के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसको सरकार की तरफ से दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। इसी बीच सरकार ने कई फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। कल यानी बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एमएसपी में किया गया यह सबसे बड़ी वृद्धि है। तो वहीं एक अनुमान के अनुसार देश में इस बार मुख्य फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार पिछले साल के मुकाबले 1.40 करोड़ टन ज्यादा अनाज उत्पादन की संभावना है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार खेती पर निर्भर है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले का फायदा देश के 10 करोड़ परिवार को होने वाला है। केंद्रीय कृषि व कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश का अन्नदाता कड़ी मेहनत कर रहा है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।